आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा। आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में तूफानी दौरा। आज 10 दिसंबर 2019 हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी पुलिस अकादमी मधुबन के फुटबॉल ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव तथा हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक एवं मधुबन पुलिस परिसर के प्रभारी श्री कांत यादव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस तथा मधुबन पुलिस परिसर में स्थित न्याय वैधिक प्रयोगशाला, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, हरियाणा पुलिस आवास निगम, हरियाणा सशस्त्र बल, राज्य अपराध शाखा के अन्य उच्च अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री तथा उनके साथ आए श्री सुभाष बराला का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। तत्पश्चात सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। गार्ड ऑफ ऑनर की अगुवाई भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु महिला आईपीएस अधिकारी पूजा वशिष्ठ ने कार ऑफ ऑनर के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने पुलिस अकादमी के मुख्य द्वार के ऊपर स्थापित की गई महान धनुर्धारी अर्जुन की फाइबर ग्लास से बनी आदमकद मूर्ति का अनावरण किया, जो कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों को लक्ष्य साधन व एकाग्रता का संदेश देती है। पश्चात माननीय मुख्यमंत्री को बुलेट मोटरसाइकिलों व सवार हेलमेट धारी सशस्त्र पुलिस कर्मियों तथा घुड़सवारों की अगुवाई में बुद्ध वाटिका में लाया गया, जहां पर मुख्य अतिथि ने बुद्ध की शांत मुद्रा में बैठी हुई आदमकद मूर्ति का अनावरण किया तथा बुद्ध वाटिका में बनाई गई एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य परिक्रमा, जिसमें 5 तत्वों के संतुलन द्वारा उपचार का प्रावधान है, में भ्रमण किया। एक्सप्रेस परिक्रमा में नंगे पांव चलने से शुगर, थायराइड, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, माइग्रेन इत्यादि व इसके अतिरिक्त तनाव और चिंता में राहत, नींद में सुधार, पाचन तंत्र में सुधार, आंखों की रोशनी इत्यादि में बहुत लाभ होता है। बुद्ध वाटिका के उद्घाटन व भ्रमण के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि एकता स्थल पर पहुंचे, जहां पर भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, हरियाणा पुलिस ध्वज तथा हरियाणा पुलिस अकादमी के ध्वज को एक साथ फहराया गया तथा इस स्थल को हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक श्री कांत यादव द्वारा एक से नामित किया गया है, को माननीय मुख्यमंत्री ने मधुबन अकादमी को समर्पित किया। तत्पश्चात अकादमी के प्रशासनिक भवन के सामने स्थापित की गई चट्टान पर लिखा है, मैं कठिन सत्य को चुन सकूं, आसान झूठ को नहीं, मैं अर्ध सत्य से संतुष्ट न रहूं, पूर्ण सत्य ही विजय करूं। प्रतिज्ञा स्थल का भी अनावरण किया। यह वह स्थल है जहां पर हरियाणा पुलिस में भर्ती किए गए 9 प्रशिक्षु प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के पश्चात प्रतिज्ञा स्थल के सामने से गुजरते हुए उपरोक्त संकल्प का अवलोकन मनन करते हुए अपनी कक्षाओं में सकुशलता व निपुणता प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिज्ञा स्थल से कुछ ही दूरी पर भारत की प्रभु सत्ता के प्रतीक अशोक स्तंभ का उद्घाटन कर पुलिस अकादमी को समर्पित किया। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, हरियाणा पुलिस के महानिदेशक श्री मनोज यादव, हरियाणा गुप्तचर विभाग के प्रमुख श्री अनिल कुमार राव व अन्य उच्च अधिकारी, अधिकारीगण व अतिथिगण ने हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक श्री कांत यादव ने इन तमाम प्रयासों तथा हरियाणा पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में उनके द्वारा समावेशित किए गए अभूतपूर्व सुधारों की भूरी भूरी प्रशंसा की। हरियाणा का सबसे